हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ इजय मार, जिसमें पहुंचा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इससे पहले मैं इंट्रोगेटिव फॉर्मेटिव के बारे में बता चुका हूँ, तो देखेंगे अगर आपका यूज ऑफ इजय मार है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले जाने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और अंत में है, हूँ, हो, आए, इसको प्रेजेंट टेंस से बोलते हैं। अगर इजय मार का प्रयोग हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस से बोला जाता है। इसका सही क्रिया क्या होता है, इजय आर होता है। तो देखेंगे इसका रूल क्या है। इसमें आपका दो टाइप का मिलेगा, एक तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में मिलेगा क्या मिलता है, और फिर क्वेश्चन बीच मिलता है। तो लेकिन जब सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर जब सबसे पहले क्या है, तब व्हाट ना लिखकर, तो व्हाट ना लिखेंगे। अगर शुरू में क्या मिलेगा तो व्हाट नहीं लिखेंगे, तब क्या करेंगे, एक वचन करता है जो बता चुका हूँ। अगर आपका देखें सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप सबसे पहले क्या के जगह पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। अगर बहुवचन करता है तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और सिर्फ सब्जेक्ट आई के साथ क्या लिखा जाता है, आई एम सबसे पहले लिखेंगे। किसके स्थान पर, वही क्या के जगह पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, क्या वह नाराज है, तब यहाँ पर क्या आ गया। तो चाहे जो टेंस हो, चाहे जो यूज ऑफ हो, आप क्या अगर शुरू में है उसका इंग्लिश कभी व्हाट नहीं लिखोगे, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वही सबसे पहले आता है, लिखा जाता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर चुनेंगे, इज में दीजिए लिखे कि आई एम लिखे कि आर लिखे, तो देखेंगे सब्जेक्ट बताएगा क्या लिखा जाए। तो सब्जेक्ट है वह, वह किस में आता है, सिंगुलर में प्लुरल में आता है, सिंगुलर में आता है, एक वचन में आता है, वह मतलब अकेला व्यक्ति है। तो इसी के नाते आपको क्या के जगह पे आपको इस है के अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जा रहा है, इज है तो लास्ट में, लेकिन सबसे पहले लिखे हम इज लिखे क्या के जगह पे, व्हाट नहीं लिखना है। फिर इसके बाद लिखा जाता है वाह के अंग्रेजी ही होता है, दैट भी लिख सकते हैं अगर आप इशारा कर रहे हैं किसी के तरफ। इज ही नाराज का होता है एंग्री, ए एन जी आर वाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे, इज ही एंग्री। अब आप सोचिए अगर ये आपका क्या ना होता, सिर्फ इतने होता वह नाराज है, तो आप क्या लिखते, ही के बाद इज होता है, ही इज एंग्री। तो क्या हुआ, यहाँ से इज कूद के यहाँ आ गया, ठीक है। यही ध्यान रखना है कि इज यहाँ था, यहाँ आ गया, क्या अगर आ गया तो ऐसे ही, क्या तुम उदास हो, तो अगर हम क्या को ढक ले, मान लीजिए क्या नहीं है, तो तुम उदास होगा अंग्रेजी हो जाएगा यू आर सैड, यू आर सैड। अब अगर वही क्या आ गया तो यू आर, जो आर है वही सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। तो इसके नाते तुम प्लुरल के नाते हो के अंग्रेजी हमने लिख दिया आर, ए आर ई आर, उसके बाद हो जाएगा यू आर यू सैड, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाइएगा। वैसे ऐसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या हम ढक ले, तो आई एम ए स्टूडेंट होता, आई एम ए, लेकिन अगर शुरू में क्या आ गया तो ही जो एम है सबसे पहले देते हैं क्या की जगह पे, तो हो जाएगा आई एम आई ए स्टूडेंट। और एक चीज ध्यान रखने की बात है, आई जो होता है बीच में रहे चाहे जा रहे, कैपिटल हमेशा लिखते हैं, इसको आप इस्तेमाल नहीं लिख सकते हो। तो और एक टाइप होता है जब आपको क्वेश्चन बीच में आए, उसको ही बता देता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे रूल टू क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है जान लीजिए, जिन शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं उसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे और होता है कितने, किसका, लेकिन ये सब क्वेश्चन वर्ड है जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, सब बीच में आए। जब आप कोई वाक्य बोले, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आए, तो पहले इसके अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड का क्या करेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल समझिए, तुम कहाँ हो, तो क्या पूछा गया क्वेश्चन, तुम कहाँ हो, तो कहाँ का अंग्रेजी आपको मालूम होना चाहिए। अब ये पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, डब्ल्यू एच ई आर, जैसा कि नियम में लिखा दिया हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिखते हैं। वेयर लिखने के बाद आप जैसे आप पहले लिखे थे उस टाइप का ट्रांसलेशन करेंगे, यानी हो का अंग्रेजी, आर क्या लिखेंगे, आर, और ये तुम बताएगा, तुम आपका क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट, जिसके नाते हमको लिखना होगा आर, और उसके बाद बच्चा है सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिख देंगे, तो हो गया हु आर, नहीं वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, अगर तुम कौन हो तो हु आर ही हो जाता। फिर देखेंगे वह कमजोर क्यों है, तो इस बार क्वेश्चन मिला है आपको क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई होता है, व्हाई माने
क्यों सबसे पहले इसे अंग्रेजी लिखा गया, उसके बाद आप है का अंग्रेजी लिखेंगे, वो सब्जेक्ट बताएगा कि सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसके नाते आप लिखेंगे इज, व्हाई इज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिख दो ही, व्हाई इज ही कमजोर का होता है वीक, वीक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब ये कैसे है तो इस बार क्वेश्चन वर्ड क्या मिला है कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है हाउ होता है, ये जो डब्ल्यू हाउ के बाद फिर आपको इज एम आर में से कुछ लिखना है, तो ये बताएगा वे, वे प्लूरल में आता है, किस में आता है जिसके नाते आपको लिखना होगा आर, हाउ आर इसको सब्जेक्ट लिखेंगे दे, ये जो नाउ है बाद में लिख दीजिए, हाउ आर दे नाउ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। आप चाहे तो नाउ शुरू में लिख सकते हैं लेकिन कामा लगाना पड़ेगा, नाउ फिर कामा लगा के हाउ आर दे, फिर देखेंगे दो और है यह क्या है, इस बार देखेंगे क्या बीच में आया है, तो इस बार इसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा, अगर बीच में आता है तो क्या क्या इंग्लिश होता है व्हाट, व्हाट के बाद फिर इसे हमारे में चुनना है, तो यह जो हमने बताया जिसका इंग्लिश होता है दिस होता है इट होता है तो सिंगुलर माना जाता है, इस नाते आपको है का अंग्रेजी लिखना होगा इज। अब यहाँ पर यह का अंग्रेजी जो है आप दिस भी लिख सकते हैं और आप इट भी लिख सकते हैं, निर्जीव वस्तु है तो आप दोनों में से चाहे लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट, फिर देखेंगे मैं कौन हूँ, फिर क्वेश्चन बीच में आ गया है तो इसका अंग्रेजी होता है कौन का हो होता है, और स्पेशल बताया हूँ आई के साथ एम लिखा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हो के लिए एम, हो एम और आई, आई हमेशा कैपिटल होता है चाहे जा रहा है फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो स्टूडेंट ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस का दो रूप, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका निगेटिव भी आता है, अगर ऐसा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देते हैं नॉट लिख देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा वाज वर होगा, वाज वर के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।